ये मरकरी का H61 बोर्ड है, इसमें प्रॉब्लम देख सकते हैं। मैं बोर्ड को ऑन करता हूँ, तो बोर्ड को ऑन करते ही इसमें फैन स्पिन होके रुक जाता है, मतलब कंटिन्यू स्टार्ट होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा, ऑफ होगा, ऑन होगा, मतलब रिस्टार्ट का इश्यू है इस बोर्ड में, प्रॉब्लम है रिस्टार्ट का, कंटिन्यू रिस्टार्ट होता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या चेक करना होता है, कहीं ना कहीं मैक्सिमम केस में आपका जैसे कोई वोल्टेज का जो सीक्वेंस है वो ब्रेक हो रहा है। ओके, लैपटॉप में भी सेम होता है, आपका लैपटॉप में होता है क्या कि ऑन होके ऑफ हो जाता है तो फिर दोबारा ऑन नहीं होता है, और डेस्कटॉप में ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ इशूज़ आपको बहुत देखने को मिलेगा। तो वन बाय वन आपको सारी वोल्टेजेस चेक करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम कोर वोल्टेज, ये रैम का सप्लाई चेक करेंगे। यहाँ पे 5 वोल्ट इन होगा और इससे रेगुलेट होके आउट होगा हमारा 1.5 वोल्ट, तो 1.6 वोल्ट ओके है, रैम सप्लाई ओके है। वही रैम सप्लाई आपका यहाँ पे जो मॉस्फेट दिख रहा है इस मॉस्फेट पे आएगा, पार्ट नंबर है इसका QP210, यहाँ पे देख सकते हैं आपको रैम का सप्लाई मिल जाएगा, और इस मॉस्फेट से आउट होगा 1.05 वोल्ट, जो कि VTT होता है, VTT या फिर आप PCH के लिए मान सकते हैं, PCH की सप्लाई, या फिर VTT CPU के लिए VTT। तो 1.05 वोल्ट ओके, यहाँ पे देख सकते हैं 1.05 होना चाहिए, बट ये वोल्टेज 1.05 तक नहीं जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रैम का जो सप्लाई है वो कम्प्लीटली जा रहा है, कम्प्लीटली अपने जो भी टारगेटेड वोल्टेज है वहाँ वहाँ पे चला जाता है, उसके बाद ये बोर्ड ऑफ होता है। तो हम रैम सप्लाई को तो ओके मान सकते हैं, बट यहाँ पे 1.05 तक जाना चाहिए, बट ये 1. यहाँ देख सकते हैं अगर ये रिस्टार्ट होता है फिर से, तो ऑन करता हूँ फिर से, इसे ऑफ करना पड़ेगा। ये सप्लाई देख सकते हैं 0.59, लास्ट जो है वो 59 तक ही जा रहा है, 59, तो इसे कम से कम 1.05 वोल्ट तक जाना चाहिए, बट ये 1.0.59 तक ही जा रहा है, जिसके वजह से आगे प्रॉब्लम आ रहा है। इसके बाद जो देख रहे हैं यही आपका VTT का सप्लाई इस मॉस्फेट के ड्रेन पे आएगा, और ये मॉस्फेट अप्रॉक्स 1 वोल्ट आउट करेगा, जो कि VCCS से है। ओके, ये CPU के लिए चला जाएगा, तो ये भी नहीं बन पाएगा क्योंकि हमारा यहीं पे प्रॉब्लम है, ये वोल्टेज कम आ रहा है हमें, ये वोल्टेज प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो हमारा कोर भी जनरेट नहीं हो रहा होगा, देख सकते हैं कोर भी जनरेट नहीं हो रहा है, और बाकी सारे वोल्टेजेस ओके हैं। ये स्टैंड बाय है आपका, स्टैंड बाय ओके है। तो हम देखेंगे सबसे पहले ये क्यों नहीं बन रहा है, ये प्रॉपर वोल्टेज यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, आपका कभी कभी ये काम भी कर जाएगा, आप DC रेगुलेटर को 1.05 वोल्ट पे सेट कर लीजिए, और बोर्ड को ऑन करके यहाँ पे आपको इंजेक्ट कर देना है। यहाँ पे आउटपुट है 1.05 वोल्ट का, तो आपको यहाँ पे 1.05 वोल्ट इंजेक्ट कर देना है। तो लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा, कभी कभी कर भी जाएगा, आप मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 1.05 वोल्ट इंजेक्ट करके बोर्ड को ऑन करूँगा तो बोर्ड ऑन होता है और ओके होता है या नहीं, तो देख सकते हैं नहीं हो रहा है। मैंने 1. यहाँ देख सकते हैं DC रेगुलेटर का वोल्टेज है 1.18 वोल्ट, मैंने इंजेक्ट किया है यहाँ पे 1.18 वोल्ट, बट अभी भी ये रिस्टार्ट है, अभी भी ये रिस्टार्ट होता है, टाइम लेगा ये ऑन होने में। और अगर मैं मल्टीमीटर से इसी वोल्टेज को चेक करूं तो यहाँ देख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। देखिए DC रेगुलेटर का वोल्टेज अभी ओके है, बट जब हम यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं कोई ड्रॉप कर रहा है इस वोल्टेज को, है ना, कहीं कोई लीकेज है, कोई कैपेसिटर में लीकेज है, इस तरह का भी केस हो सकता है, या फिर अभी ये बोर्ड एक्टिव नहीं है इसीलिए ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। हम एक बार इस बोर्ड को ऑन करते हैं पहले और फिर चेक करेंगे उस समय भी ये लीकेज होता है या नहीं होता है। तो
मैंने यहाँ पे वोल्टेज को इंजेक्ट किया है और बोर्ड को ऑन करते हैं। तो बोर्ड को ऑन कर दिया है और बोर्ड कंटिन्यू ऑन है, बट अभी भी हमारा जो वोल्टेज बनना चाहिए वो कम्प्लीटली नहीं है, 0.63 तक है, 1.05 होना चाहिए। बोर्ड आपका ऑन हो गया है इंजेक्ट करने से वोल्टेज, बट डीसी रेगुलेटर जो भी वोल्टेज चाहिए मदरबोर्ड को वो कंप्लीट नहीं है, मतलब अभी भी डिस्प्ले नहीं आएगा बोर्ड में। मैं आपको अगर कीबोर्ड पे चेक करवाऊँ तो अभी भी कीबोर्ड पे चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कोर दिखा देता हूँ। देखिए कोर जनरेट नहीं हो पाया है, कोर जो है इसका जनरेट नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, सबसे पहले आपको देखना होता है इसका गेट। इसके गेट कंट्रोल करने के लिए LM 324 या फिर 358 358 का यूज़ किया जाता है। तो मुझे यहीं से दिख रहा है 358 है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का, एम्पलीफायर है ये, ऑपरेशनल एम्पलीफायर कुछ इस तरह का है ये। तो यहाँ पे जो होता है आपका पिन नंबर 1 जो है, यहाँ पे आपका 12 वोल्ट आएगा और इसका एक नंबर पिन जो है ये आउटपुट 1 है, ओके, और पिन नंबर 7 आउटपुट 2, ओके। और ये दो पॉइंट जो देख रहे हैं ये आपका इनपुट हो जाता है, इनपुट 2 का पॉजिटिव और यहाँ पे इनपुट 2 का नेगेटिव। साथ ही साथ 4 नंबर पिन आपका ग्राउंड है और 3 नंबर और 2 नंबर इनपुट नेगेटिव इनपुट पॉजिटिव, ओके। तो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और ये जो मॉस्फेट है आपका, एक बार स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ आपको। ये जो मॉस्फेट है इसके ऊपर 1.5 वोल्ट आ रहा है, ओके, और इसके सोर्स से आउट होगा 1.05 वोल्ट, और गेट जो है गेट आपका आउटपुट 1 या फिर आउटपुट 2 से कनेक्टेड होगा, ओके। तो इस तरह से कुछ होता है इसका सर्किट जो कनेक्टेड होता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो देख रहे हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव पिन, ये आपका इन पॉजिटिव है और ये इन नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कुछ इस तरह से रजिस्टर लगा हुआ होता है वोल्टेज डिवाइडर के लिए। इसके ऊपर 3.3 वोल्ट आता है और ये इस तरह से कनेक्टेड होगा और आपका एक आउटपुट से कनेक्टेड होगा। अगर आपका ये दोनों ट्रैक भी प्रॉब्लम करेगा तो भी आपका ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है ये आउटपुट नहीं देगा इसके गेट पे। इसके गेट पे जो आउटपुट आता है वो अप्रॉक्स 3.9 वोल्ट आता है। अभी हम डीसी रेगुलेटर से क्या कर रहे थे, डीसी रेगुलेटर से 1.05 वोल्ट यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे थे, अभी हम यहाँ पे इंजेक्ट नहीं करेंगे, हमें क्या करना है 3.9 वोल्ट हम इसके गेट पे इंजेक्ट करेंगे। अगर गेट पे इंजेक्ट करने से ये स्टेबल रहता है और बोर्ड ऑन हो जाता है और डिस्प्ले ओके हो जाता है, अगर डिस्प्ले ओके होता है तो कहीं ना कहीं इधर से प्रॉब्लम हो रहा है। अगर यहाँ पे इंजेक्ट करने के बाद यहाँ पे 1.05 वोल्ट बन जाता है फिर भी डिस्प्ले नहीं आता है तो हम आगे कहीं देखेंगे आगे कुछ प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो चलिए इसे फॉलो करते हैं। तो मैं 3.9 वोल्ट ले लेता हूँ, 3.9 वोल्ट, ओके। आपको यहाँ पे वोल्टेज का ज़्यादा ध्यान रखना है, ज़्यादा कम वोल्टेज नहीं होना चाहिए, मॉस्फेट है, आप वोल्टेज अब ज़्यादा कम करेंगे तो ये 4 वोल्ट है तो 3.9 ओके है, ओके।
तो अभी हम इस वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे मॉस्फेट के गेट के ऊपर। ये मॉस्फेट का गेट है, मॉस्फेट के गेट के ऊपर इंजेक्ट कर दिया है हमने, और बोर्ड को करते हैं ऑन। देखिए बोर्ड कंटिन्यू ऑन है। अगर मॉस्फेट के इनपुट में आपको वोल्टेज चेक कराऊं तो 1.5 वोल्ट इनपुट में आ रहा है, और आउट में हम देखें तो 1.1 वोल्ट। तो हमारा थोड़ा सा वोल्टेज ज़्यादा है, 1.3.98। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.05, 1.14 ओके है, चलेगा, वोल्टेज ओके है यहाँ पे। इसके बाद ये जो VCCS से है, VCCS से को भी चेक कर लेते हैं। 1.14 वोल्ट है, और यहाँ पे अप्रॉक्स 1 वोल्ट आउट करेगा ये, तो 0.94 वोल्ट आउट कर रहा है, तो ओके है, हमारा कोर बन गया क्या। यहाँ देख सकते हैं 1.06 वोल्ट कोर भी हमारा जनरेट हो चुका है। तो अभी हम डिस्प्ले के लिए चेक कर लेंगे, कीबोर्ड टिप पे डिस्प्ले चेक कर लेंगे हम। कीबोर्ड, USB ड्राइव, आपके पास कुछ भी हो आप कनेक्ट करके डिस्प्ले के लिए चेक कर सकते हैं। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो हो रहा है, कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम हो रहा है वो इसके गेट से रिलेटेड है, इस मॉस्फेट के गेट से रिलेटेड। मतलब कहीं ना कहीं ये LM358 की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो अभी देखिए मैंने गेट का सप्लाई हटाया है, तो अभी गेट पे क्या वोल्टेज है, 3.24 है। तो ये वोल्टेज कम है, 3.24 नहीं होना चाहिए, 3.9 के आसपास का वोल्टेज होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पे, ये तो कुछ ज़्यादा ही वोल्टेज दिखा रहा है, क्योंकि जो टारगेटेड वोल्टेज है वो आउट नहीं हो पा रहा है फीडबैक में, इसीलिए ये वोल्टेज यहाँ पे गेट पे कुछ ज़्यादा बन रहा है, और आउटपुट में यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके गेट के कनेक्टिविटी को फाइंड आउट करेंगे और चेक करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है, तो यहाँ पे इसका एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, इसके ऊपर 12 वोल्ट इनपुट है, और ये आपका ग्राउंड है। ओके, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो अभी क्या होता है, मान लीजिए आउटपुट हमारा 1.05 वोल्ट है। ओके, तो एक पिन पे हमें लगभग 1.0, इससे थोड़ा सा कम तो 4 वोल्ट, और एक पे सेम वोल्टेज जो हमारा आउट हो रहा है 1.05, तो 1.05 ही मिल जाएगा। मतलब अप्रॉक्स दोनों पिन पे लगभग आसपास की वोल्टेज हमें मिलती है। तो अभी हम एक बार बोर्ड को ऑन करेंगे और चेक करेंगे। एक जो पिन है इसका, एक पिन तो डायरेक्ट इससे कनेक्टेड होता है, अभी हमारा यहाँ पे 1.05 वोल्ट ना बन के 0.6 वोल्ट के आसपास बन रहा था, तो एक पिन पे हमें 0.6 वोल्ट के आसपास मिलेगा, जबकि दूसरे पिन पे हमें क्या मिलना चाहिए, अप्रॉक्स 1.05 के आसपास का वोल्टेज ही मिलना चाहिए। जब तक यहाँ पे सेम वोल्टेज नहीं होगा, जितना आउटपुट में हमारा टारगेटेड वोल्टेज 1.05 है, तो यहाँ भी अगर 1.05 के आसपास का वोल्टेज होगा, तो हमें मॉस्फेट का जो आउटपुट है मेन, वहाँ पे हमें 1.05 वोल्ट आउट में मिलेगा। अभी एक बार हम चेक करते हैं। बोर्ड को ऑफ कर दिया है, ऑन है, तो ये ऑन ऑफ हो रहा है अभी। यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर वन पे जो आउट होके मॉस्फेट के गेट पे जाएगा वो वोल्टेज है पिन नंबर वन पे। तो पिन नंबर वन पे जो वोल्टेज बन रहा है वो 3.12 के आसपास बन रहा है, और इसका पिन नंबर टू जो है ये नेगेटिव है, तो पिन नंबर टू पे क्या वोल्टेज है, 0.5 के आसपास था, और पिन नंबर थ्री पे 0.59 के आसपास का वोल्टेज है। ओके, एक बार मैं मल्टीमीटर से आपको चेक करवाऊंगा। अभी आपको मल्टीमीटर से क्या चेक करना है, गेट पे रखना है एक प्रॉब को, और गेट से फाइंड कर लेना है इसका पिन नंबर। ये देख सकते हैं ये पिन गेट के साथ कनेक्टेड है। अभी
अब यहाँ पे आपको दो पिन बच जाता है, ओके, पिन नंबर टू और पिन नंबर थ्री। यहीं पे आप देखेंगे तो इसका जो आउटपुट है, आउटपुट जो है ना, आउटपुट के साथ एक पिन कनेक्टेड होगा। तो आउटपुट हमारा क्या है, ये मॉस्फेट का सोर्स। तो मॉस्फेट के सोर्स से एक पिन कनेक्टेड होगा, ओके, नेगेटिव है ये। इस पिन पे क्या वोल्टेज बन रहा है वो हमारा अभी अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको वोल्टेज जितना चाहिए थर्ड नंबर पिन पे उतना ही वोल्टेज बनना चाहिए। मतलब थोड़ा सा क्लियर करते हैं इसको, ये मॉस्फेट है, 1.5 वोल्ट आ रहा है इस पे, है ना, इंजीनियर मॉस्फेट है। ये इसका गेट है और ये सोर्स, सोर्स पे हमें कितना चाहिए, 1.05 वोल्ट, ओके। तो ये जो LM है, 1, 2, 3, 4 ग्राउंड, ओके, पिन नंबर 1 जो है एक रजिस्टर कनेक्ट करके गेट को कंट्रोल कर रहा है, ये आउटपुट है। इसका जो पिन नंबर 2 है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। इसका जो नेगेटिव पिन है, ये नेगेटिव पिन आपका आउटपुट के साथ कनेक्टेड है, ओके। अभी ये जो पॉजिटिव पिन आप देख रहे हैं, इस पिन पे अगर आप 1.05 वोल्ट बनाएंगे तो आपको आउटपुट में भी 1.05 के आसपास का वोल्टेज ही मिलेगा। अगर आप यहाँ पे 5 वोल्ट बनाएंगे तो आउटपुट में भी, अब आपका मैक्सिमम 1 वोल्ट ही है तो 1.5 वोल्ट ही मैक्सिमम मिलेगा। अगर यहाँ पे 10 वोल्ट होता तो आपको आउटपुट जितना आपने दिया है उतना मिल जाता, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, अभी हम क्या करेंगे, डीसी रेगुलेटर से यहाँ पे 1.05 वोल्ट इंजेक्ट करेंगे, या फिर यहाँ पे इस सेक्शन का यहाँ पे जो सर्किट होता है वो वोल्टेज डिवाइडर होता है, एक रजिस्टर और दो रजिस्टर कनेक्टेड होता है। एक रजिस्टर पे आपका 3.3 वोल्ट जो होता है, 3.3 वोल्ट आता है R1 और ये R2, और ये वोल्टेज डिवाइडर उतने वैल्यू का होता है जिससे कि यहाँ पे 1.07 वोल्ट के आसपास या 1.5 वोल्ट के आसपास का वोल्टेज जनरेट करे, मतलब वोल्टेज डिवाइड करके करे। तो हमारा मेन पॉइंट है ये वोल्टेज डिवाइडर को चेक करना, हो सकता है ये 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा हो, सकता है रजिस्टर खराब हो सकता है ये रजिस्टर खराब हो सकता है इस गेट इस पिन का वोल्टेज ओके है, LME खराब है। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले अभी इसके पिन का वोल्टेज। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था वोल्टेज, यहाँ पे 0.59 वोल्ट बन रहा था, इसीलिए आपको आउटपुट में भी 0.5152 के आसपास का ही वोल्टेज मिल रहा है। अगर गेट पे ये पॉजिटिव पे 1.05 होता तो आपको आउटपुट भी 1.05 मिलता। मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ वोल्टेज इंजेक्ट करके, डीसी रेगुलेटर का यूज़ करेंगे। और मैं भी जा रहा हूँ यहाँ पे जो देख रहे हैं पिन नंबर, इसका थर्ड नंबर पिन पे 1.5 वोल्ट देते हैं, 1.5 वोल्ट इंजेक्ट करते हैं। तो मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे सेट कर दिया है, 1.05 देख सकते हैं, 1.9 वोल्ट, ओके। तो इसके पिन नंबर थ्री पे हैं हम, ओके, चेक कर लेते हैं, ओके है। अभी बोर्ड को ऑन करते हैं, देख सकते हैं बोर्ड कंटिन्यू ऑन है। अभी अगर मैं आपको चेक करवाऊंगा तो इसका जो पिन नंबर 1 है इस पे जो आउटपुट हमें पहले मिल रहा था अप्रॉक्स 3.1 वोल्ट, वो बढ़ के 3.9 वोल्ट के आसपास हो गया होगा। तो 3.9 वोल्ट हो गया, इसीलिए गेट की वोल्टेज हाई होगी तो आउटपुट भी हाई होगा। तो इनपुट 1.5 वोल्ट है तो आउटपुट हमारा भी 1.09 वोल्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1.8 वोल्ट इस पिन पे हमने 1.8 बनाया है, तो आउटपुट हमारा 1.8 ही है। अगर हम इसका वोल्टेज कम करेंगे, अभी भी
वोल्टेज हमारा 0.9 है, तो गेट का वोल्टेज थोड़ा सा लो हो गया है, 3.6 हो गया है, तो आउटपुट भी आपका लगभग उतना ही होगा। मतलब कहने का है LM के इस पिन पे जो भी वोल्टेज बनेगा आउटपुट में आपको वही वोल्टेज मिलेगा। तो इस पिन पे वोल्टेज हमारा प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो अभी हम चेक करेंगे इसके इस रजिस्टर को। ओके तो बोर्ड कर करते हैं ऑफ। अभी यहाँ पे जो रजिस्टर है उस रजिस्टर का वैल्यू यहाँ पे नोट करेंगे, है ना। तो वोल्टेज डिवाइडर होता है यहाँ पे, इसे मानेंगे R1 और ये हमारा R2, आप XYZ कुछ भी ले सकते हैं, और ये आपका वी आउट, यहाँ से वोल्टेज आउट होगा, और ये आपका है विन। ओके विन में 3.3 वोल्ट आता है मैक्सिमम। अब हम देखते हैं R1 और R2 का वैल्यू क्या है। तो इसका जो R1 R2 को कैसे पहचानेंगे, 0 0 आ रहा है, मतलब ये कनेक्टेड है, 0 0 कनेक्टेड है, और ये ग्राउंड से 0 0, मतलब ये ग्राउंड है, तो ये R2 है हमारा। हम R2 को चेक करते हैं, वन पॉइंट एट जीरो है ना, 1.8, 1.8, फिर से चेक करते हैं, 1.8 के वन पॉइंट 79, तो 1.8 किलो, और R1 1.8 के, R1 भी हमें 1.8 के दिखा रहा है और R2 भी हमें 1.8 के दिखा रहा है। अगर ये 1.8 और 1.8 है तो हाफ होना चाहिए वोल्टेज, आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए, इसका हाफ है ना। वन पॉइंट सिक्स फाइव वोल्ट, बट गेट पे ये वोल्टेज मिल नहीं रहा है, मतलब रजिस्टर को हमें निकाल के फिर से रजिस्टर का वैल्यू चेक करना पड़ेगा, बोर्ड से निकाल के चेक करना पड़ेगा, बोर्ड में हमें लगे लगे चेक नहीं कर सकते, है ना। बोर्ड पे लगे लगे रजिस्टर को चेक नहीं कर सकते हैं, या फिर इसके पास में ही एक और रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, हम इसका भी वैल्यू चेक करके यहाँ पे लगा सकते हैं, 2.7 और ये है 2.7, दोनों का बराबर वैल्यू दिखा रहा है, तो वैल्यू दिखाने में प्रॉब्लम कर रहा है। हम पहले इसे बोर्ड से निकाल लेते हैं, उसके बाद रजिस्टर का वैल्यू चेक करेंगे और कैलकुलेट करेंगे हमें किस वैल्यू का रजिस्टर लगाना है। तो दोनों रजिस्टर को निकाल लेते हैं, ये R1 है, ये R2, अभी R1 R2 को चेक करते हैं, नाइन पॉइंट नाइन फोर, तो ये आ रहा है 9.94। ओके तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज़ करेंगे, वोल्टेज डिवाइडर
अभी जो हमें रजिस्टर मिला है वो R2 जो है हमने वो 2.1K का ही रखा। R1 जो है वो हमने चेंज किया 4.07, ओके, इनपुट 3.3 वोल्ट, तो आउटपुट में हमें मिल रहा है 1.154। तो बहुत टाइम लगा हमें ढूंढने में, तो हमें यही मिल पाया जो कि इसके आसपास मिलता जुलता वोल्टेज है 1.205 के, तो हमने यही लगा दिया है, इसी से हमें काम चलाना पड़ेगा। चलिए अभी बोर्ड को ऑन करते हैं और देखते हैं ये सॉल्व होता है या नहीं। ओके, ये वर्किंग है, काम कर रहा है, बस अभी वोल्टेज वगैरह चेक कर लेते हैं, ओके है सारी वोल्टेजेस या नहीं। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे चेक करेंगे वोल्टेज आउट हो रहा है प्रॉपर तरीके से या नहीं। तो VTT जो है वो 1.07 आउट हो रहा है, VCCS से 1.094 ओके है, और आपका कोर भी ओके है, मतलब डिस्प्ले भी आ गया होगा। ओके, अगर हम डिस्प्ले चेक करेंगे तो ये देख सकते हैं डिस्प्ले भी आ चुका है। तो अभी फिर से चेक कीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए 1.07 बन रहा है, तो इसके स्क्रीन पे भी सेम वोल्टेज होगा, देखिए 1.07, अगर यहाँ पे 1.07 है तो यहाँ भी 1.07 आउट करेगा। अब जैसे ये आपका VCCS से है, VCCS से 0.94 है, तो इसके 0.94 ही बन रहा होगा, 0.94, ओके। तो अगर आपका थोड़ा सा वोल्टेज का फ़र्क होता है, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, उसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा,